फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरूके के प्रेडिक्शन। कैसे आप सब उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया 2023 के सेकेंड ओडीआई मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 19 मार्च को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर के 1:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी डॉक्टर वाईएस राजशेखरा रेड्डी एशिया बीटीसीए क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम इंडिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला, तो वहीं पहली टीम इंडिया की बात करें तो जहां 5 के 5 मैच अपना जीत के आ रही है, तो वहीं दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जहां 5 मैच में से 4 मैच जीत के आई तो 1 मैच हार के आ रही है। अगर इस टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे इंडिया 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेस में, तो जहां पे इंडिया 5 मैच जीत के आ रही है तो ऑस्ट्रेलिया भी 5 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे लगभग इक्वली परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है दोनों टीम का। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेस में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पे इंडिया का 80% देखने को मिल रहा है तो ऑस्ट्रेलिया का भी 80% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो इंडिया का 287 है तो ये ऑस्ट्रेलिया का 225 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो इंडिया का 409 है तो ये ऑस्ट्रेलिया का 355 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो इंडिया का 111 है तो ये ऑस्ट्रेलिया का 100 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे लगभग इक्वली दोनों का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। पर तो फ्रेंड चलते हैं वेदर की ओर। आज का मैच वेदर कैसे रहेगी, तो मोस्टली क्लाउडी रहेगी, यानी पूरी तरह मौसम खराब रहने वाली। अगर वहीं अगर सेल्सियस की बात करें तो 27.9 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकती है। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो 71% रहेंगे, वहीं 100% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, इस पिच का फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पे 265 रन लगने की संभावना है। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में 231 रन में भी लग सकती है। इस पिच पे अभी तक टोटल 10 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है, लेकिन ज़्यादातर इस पिच पे मैच डिफेंड हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है। बिकॉज इस पिच पे अगर डिफेंड में भी काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो भी अगर अपोजिट टीम स्ट्रांग रहेगी वह मैच इजिली वे में भी चेस कर सकती है। काफ़ी अच्छी मैच होगी इस पिच पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगी, और यह पिच पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड ओडीआई मैच खेला जाएगा, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो पहली टीम इंडिया की बात करें तो नो डाउट काफ़ी अच्छा फॉर्म में दिखी। पिछली मैच की बात करें फर्स्ट ओडीआई तो काफ़ी अच्छा फॉर्म में देखने को मिला बैटिंग और बॉलिंग दोनों का। अगर कम्बिनेशन देखें तो दोनों का काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। अगर वहीं दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया की बात करें नो डाउट ये भी टीम काफ़ी ज़बरदस्त है, बट पिछले मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस बैटिंग द्वारा नहीं देखा गया, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी बैटिंग लाइनअप ठीक करनी पड़ेगी क्योंकि उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया है और उसके घर पर जाकर खेल रही है। तो यहाँ पर इंडिया के लिए प्लस पॉइंट होती है कि उसके ग्राउंड पर मैच हो रहा है, तो यहाँ पे इंडिया पूरी तरह स्ट्रांग चल रही है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होगा, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉन्स पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम इंडिया के की प्लेयर की बात करें तो रविंद्र जडेजा, शुभम गिल, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव। वहीं दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया के की प्लेयर की बात करें तो मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोनिस, मिचेल स्टार्क। ये रहे दो टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए इंडिया हमारे हिसाब से स्ट्रांग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।